हेलो फ्रेंड्स, केवम टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बुध पूर्णिमा के लिए इस प्रकार का पोस्टर बनाना सिखाएंगे, जैसे अभी आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस प्रकार के पोस्टर में आप यहां पर अपना फोटो लगा सकते हैं और फोटो के नीचे यहां पर अपना नाम और मोबाइल नंबर बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। इस प्रकार का पोस्टर आप अपने मोबाइल से बनाकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहीं पर भी आसानी से शेयर कर सकते हैं। अगर आप भी इस प्रकार का पोस्टर अपने मोबाइल से बिल्कुल आसानी से बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इस प्रकार का पोस्टर बनाना सिखाते हैं। देखिए, आपको पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले पिक्सेल एवेब की आवश्यकता होगी। आपको इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप प्ले स्टोर पर आकर पिक्सेल एवेब सर्च करोगे ये ऐप आ जाएगा, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसे आपको पहले से इंस्टॉल कर रखा है, चलिए इसे ओपन करते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल में पिक्सेल ऐप को ओपन करोगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। सबसे पहले आपको इस न्यू टेक्स्ट हटा देना है। इसे हटाने के लिए आपको यहाँ पर डिलीट वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे न्यू टेक्स्ट हट जाएगा। इसके बाद देखिए, आपको नीचे यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करना है। इस आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको आगे जाना है। आगे जाकर आपको यहाँ पर फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर फ्रॉम गैलरी वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। अब देखिए, आपको अपने फ़ोन की गैलरी में आने के बाद इस इमेज को चूज कर लेना है। मैंने इस इमेज को पहले से बना कर रखा है जिससे आपको पोस्टर बनाने में आसानी हो। आपको यहाँ पर केवल शुभकामनाएं लिखनी है और यहाँ पर अपना फोटो लगाकर नाम लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टिक वाले अनुसार पर क्लिक कर देना है। चलिए अब आपको बताते हैं आप इस पोस्टर को कहाँ से डाउनलोड करेंगे। देखिए, आपको उस पोस्टर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर गूगल में kbmhelp.in लिखकर सर्च करना है। जैसे ही आप kbmhelp.in लिखकर सर्च करोगे हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखिए, इस प्रकार से हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब देखिए, आपको यहाँ पर इस सर्च बार पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पूर्णिमा पोस्टर लिख के सर्च करना है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर पूर्णिमा पोस्टर लिखता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर पूर्णिमा पोस्टर लिख दिया। इसके बाद देखिए, मैं यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करता हूँ। देखिए, जैसे आप पूर्णिमा पोस्टर लिखकर सर्च करोगे आपके सामने ये पोस्ट ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा होगा बुध पूर्णिमा पोस्टर कैसे बनाए। आपको यहाँ पर इसी पोस्ट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, जैसे आप वहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार की पोस्ट ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पर बुध पूर्णिमा पोस्टर बनाने के बारे में पूरी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे जाना है। नीचे आने के बाद आपको जैसे ही आप नीचे जाओगे यहाँ पर डाउनलोड नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पर डाउनलोड नाउ के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करोगे आपके मोबाइल में वो पोस्टर वाला बैकग्राउंड डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए, आपको इसी प्रकार से अपने मोबाइल में इस बैकग्राउंड को ले आना है, जैसे देखिए मैंने आपको पहले बताया था। इसके बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार आ जाने के बाद आपको यहाँ पर इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर टेक्स्ट को यहाँ पर ले आना है, इस पर डबल टैप करके न्यू टेक्स्ट को हटा देना है। इसे हटाने के बाद आपको यहाँ पर जैसे देखिए मैंने यहाँ पर आप सभी क्षेत्रवासियों को लिख दिया है, इस प्रकार आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, आपके सामने ये इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर इस ए वाले आइकन पर क्लिक करना है। इस ए वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको आगे जाना है। आगे जाकर आपको यहाँ पर कलर पर क्लिक करना है। कलर में आपको यहाँ पर ये ब्लू वाला कलर चूज करके यहाँ पर टिक वाले निशान पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आगे जाना है। आगे जाकर आपको यहाँ पर ए वी फॉन्ट पर क्लिक करना है और आप यहां से कोई सा फ़ॉन्ट चूज कर सकते हैं, जो आपको यहां पर अच्छा लगे वही फ़ॉन्ट चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, आपको फ़ॉन्ट को चूज कर लेने के बाद आपको आगे जाना है। आगे जाकर आपको यहां पर स्टॉक पर क्लिक करना है। स्टॉक पर क्लिक करने के बाद इसे इनेबल कर देना है। इसमें आपको यहाँ पर वाइट वाला कलर चूज कर लेना है और आपको यहाँ पर इसका साइज थोड़ा बढ़ा देना है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर इसका बढ़ा रहा हूँ। इसके बाद आपको टिक वाले निशान पर क्लिक कर देना है। अब आपको आगे जाकर यहाँ पर शैडो का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर इसे इनेबल कर देना है। इसमें आपको देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर चूज कर लेना है। इसके बाद आपको टिक वाले अनुसार पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, आपको यहाँ पर इस टेक्स्ट का साइज बढ़ाकर अपने हिसाब से सही से सेट कर देना है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर इसे रख दिया है, इसी प्रकार आपको भी रख देना है। अब आपको फिर से सी प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको फिर से टेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस टेक्स्ट को यहाँ पर ले आकर इस पर डबल टैप करके नेक्स्ट टेक्स्ट को हटा देना है। इसे हटाने के बाद आपको यहाँ पर जैसे देखिए मैंने यहाँ पर बुध पूर्णिमा लिख दिया है, इसी प्रकार आपको लिखकर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, आपको नीचे फिर से सी ए वाले आइकन पर क्लिक करना है। ए वाले आइकन पर क्लिक करके आपको आगे जाकर यहाँ पर कलर पर क्लिक करना है। कलर में आपको यहाँ पर अबकी बार रेड वाला कलर चूज कर लेना है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर रेड वाला कलर चूज कर लेता हूँ। इसके बाद आपको टिक वाले निशान पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको आगे जाना है। आगे जाकर आपको यहाँ पर ए वी फॉन्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से कोई सा फॉन्ट चूज करके ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, आपको यहाँ पर फॉन्ट को बदल देने के बाद आगे जाना है। आगे जाकर आपको यहाँ पर स्टॉक पर क्लिक करना है, इसे आपको इनेबल कर देना है। इसमें आपको यहाँ पर वाइट वाला कलर चूज करके इसकी थोड़ी लेंथ बढ़ानी है और आपको यहाँ पर टिक वाले निशान पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आगे जाकर यहाँ पर शैडो पर क्लिक करके इसे इनेबल कर देना है। इसमें आपको यहाँ पर ब्लैक वाला कलर चूज करके टिक वाले निशान पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, आपको यहाँ पर इसका भी साइज बढ़ाकर रख देना है, जैसे देखिए मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। अब देखिए, आपको इतना कलर निकाल फिर से थी प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर से आपको इस टेक्स्ट को यहाँ पर ले आकर इस पर डबल टैप करके न्यू टेक्स्ट को हटा देना है। इसे हटाने के बाद आपको यहाँ पर
की हार्दिक लिख देना। जैसे देखिए मैं यहाँ पर की हार्दिक लिख दे रहा हूँ, इसके बाद की आपको यहाँ पर फिर से ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपको यहाँ पर इतना कर लेने के बाद फिर से ये वाले आइकन पर क्लिक करके आपको आगे जाना है। आगे जाकर आपको यहाँ पर कलर पर क्लिक करके अब की बार कलर में आपको यहाँ पर ब्लू वाला कलर चूज करके टिक वाले अनुसार पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आगे जाकर यहाँ पर ये भी फॉन्ट पर क्लिक करना है। फिर से आपको इसका फॉन्ट बदल कर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फॉन्ट को आपको यहाँ पर बदल देने के बाद आपको फिर से आगे जाकर यहाँ पर फिर से स्ट्रोक पर क्लिक करके इसे एनवर्ट कर देना है। इसमें आपको यहाँ पर बाइट वाला कलर चूज करके इसकी थोड़ी लेंथ बढ़ानी है और आपको यहाँ पर टिक वाले अनुसार पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आगे जाकर स्वाडो पर क्लिक करके इसे भी इनेबल कर देना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर स्वाडो को इनेबल कर दिया, इसे आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और आपको यहाँ पर टिक वाले अनुसार पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके सही से रख लेना है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। अब देखिए आपको यहाँ पर इसे रख लेने के बाद फिर से सी प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर फिर से टेक्स्ट पर क्लिक करके इस टेक्स्ट को यहाँ पर ले आना है। अब आपको डबल टैप करके न्यू टेक्स्ट हटा देना है। इसे हटाने के बाद आपको यहाँ पर शुभकामनाएं लिख देना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर शुभकामनाएं लिख दिया, इसी पर आपको लिखकर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपको यहाँ पर इसके बाद फिर से सी ए वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको आगे जाना है। आगे जाकर आपको यहाँ पर फिर से कलर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको रेड वाला कलर चूज कर लेना है और आपको यहाँ पर टिक वाले अनुसार पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपको आगे जाना है। आगे जाकर आपको यहाँ पर ए वी फॉन्ट पर क्लिक करके फिर से इसका फॉन्ट बदल देना है। देखिए मैंने यहाँ पर इसका फॉन्ट बदल दिया। इसके बाद आपको फिर से आगे जाकर स्टॉक पर क्लिक करना है, इसे एनरोल कर देना है। इसमें आपको यहाँ पर फिर से बाइट वाला कलर चूज करना है। देखिए इसकी थोड़ी लेंथ बढ़ानी है और टिक वाले तौर पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपको इसका भी साइज बढ़ाकर यहाँ पर रख देना है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब देखिए आपको यहाँ पर अपना फोटो लगाने के लिए फिर से सी प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको फ्रॉम गैली पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर फ्रॉम गैली का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप यहाँ पर फ्रॉम गैली वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके मोबाइल की गैली ओपन हो जाएगी। गैली में आने के बाद आप यहाँ पर जो भी फोटो लगाना चाहते हैं वहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर इस फोटो को चूज कर लिया है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर अपने फोटो को इतना सेलेक्ट कर लेना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर इतना सेलेक्ट कर लिया है और आपको यहाँ पर टिक वाले अनुसार पर क्लिक कर देना है। देखिए अब ये फोटो यहाँ पर आ चुका है। मैंने इस फोटो के पीछे का बैकग्राउंड पहले से हटा रखा है। अगर आप अपने फोटो के पीछे का बैकग्राउंड हटाना नहीं जानते हैं तो इस पर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है। उस वीडियो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर अपने फोटो को छोटा करके यहाँ पर रख देना है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर इस फोटो को रख दिया, इसी प्रकार आप भी अपने फोटो को रख सकते हैं। इसके बाद आपको फिर से सी प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस टेक्स्ट को यहाँ पर ले आकर इस पर डबल टैप करके न्यू टेक्स्ट हटा देना है। इसे हटाने के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देने के बाद फिर से ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपको यहाँ पर फिर से सी ए वाले आइकन पर क्लिक करके आपको आगे जाना है। आगे जाकर आपको यहाँ पर कलर पर क्लिक करके यहाँ पर बाइट वाला कलर चूज कर लेना है और आपको टिक वाले अनुसार पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आगे जाकर ए वी फॉन्ट पर क्लिक करके फिर से इस टेक्स्ट का फॉन्ट बदल देना है और ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपको यहाँ पर अपने नाम को छोटा बड़ा सही से करके यहाँ पर रख देना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट करके रख लिया है। इसके बाद आपको फिर से सी प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना है और आपको इस टेक्स्ट को फिर से यहाँ पर ले आकर इस पर डबल टैप करके न्यू टेक्स्ट को हटा देना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। देखिए मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। इसके बाद आपको फिर से सी ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपको यहाँ पर फिर से सी ए वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको आगे जाकर यहाँ पर कलर पर क्लिक करके यहाँ पर बाइट वाला कलर चूज करके यहाँ पर टिक वाले अनुसार पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपको आगे जाकर ए वी फॉन्ट पर क्लिक करना है और आपको फिर से फॉन्ट बदल कर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए अब आपको इसे भी छोटा करके सही से यहाँ पर रख देना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर इसे रख दिया है। अब देखिए आपका पोस्टर इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा। अगर आप इस पोस्टर में और कुछ भी लिखना चाहते हैं तो और कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए मैंने आपको बताया है, इस प्रकार और कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद अब आपको इसे सेव करने के लिए इस शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है। शेयर वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव टू गैली पर क्लिक करना है, जिससे आपको पोस्टर गैली में सेव हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने सेव के बटन पर क्लिक किया, ये पोस्टर गैली में सेव हो चुका आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आशा करता हूँ वीडियो को जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें।